व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की मैंने वैसे तो कुकिंग का काफ़ी दिन हो गए, कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो मैं अब स्पेगेटी बना रही थी तो मैंने सोचा कि इसकी जो है ना वो रेसिपी अब कर लूँ। तो मैंने ये यहाँ पे कैरेट जो है ना वो इस तरह की मिलती हैं, ये चाइनीज़ हैं, और मैंने इस तरह बॉयल आलू कर लिए थे और इसको जो है इसमें डाल के कप में रख दिए ओवन में, ताकि 3 मिनट का वेट लगा दिया। कुछ कुछ ये बॉयल हो गए हैं और कुछ अभी ये करने हैं और कुछ उसमें हैं 1 मिनट। ओवन की आवाज़ आ रही थी और उसमें से कुछ आलू निकालने थे। अब कैरेट और आलू मैंने दोबारा रख दिए हैं, 3 मिनट का वेट लगाया, ये हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने इसका ख्याल लाजमी रखना है क्योंकि पानी बॉयल हो जाता है ना, तो ये देखें पानी गिर जाता है। वैसे मैं क्लीन कर लूँगी इसको बाद में, और पहले मैं इसको स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, ये भी मेरी रेडी हो गई है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और स्पैगेटी जो है ना तोड़ के रख ली थी, ये हो गई हैं ऑलमोस्ट। इसको मैं चेक कर लेती हूँ, ये देखें बहुत लंबी होती हैं। इनको मैंने हाफ़ कर लिया था क्योंकि बर्तन यहाँ छोटा ही था, तो इसलिए बस ये हो गया। मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया क्योंकि ये फिर ना बाद में जब हम उसको सुखाने के लिए रखते हैं ना, फिर ये आपस में जुटती नहीं है। और स्टैंडर्ड यहाँ पे ना एक मसला तो ये है कि ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है और ये बहुत मसला करता है। ये देखिए ऐसे सलाखें हैं, कहीं पे वो होता है चलती हैं, कहीं पे हीट जहाँ पे सलाखें हैं वहाँ पे हीट डायरेक्ट जाती है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन खैर पक जाती है चीज़, लेकिन बहुत टाइम लगता है इसको पकने में। अच्छा, मैं आपको साथ साथ इसका दिखाऊंगी कि आगे मैं इसका फर्दर क्या प्रोसीजर करूँगी। सो मैं आपको स्पेगेटी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की थी। चिकन मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था, ये रखा हुआ है कि थोड़ी देर ये वो हो जाए सॉफ्ट, फिर मैं इसमें से कुछ पीस निकाल लूँगी। ये स्पैगेटी मैंने कवर करके रख दी थी, ये इस तरह की ऐसे थी लंबी, ये देखें ऐसे ये लंबी सलाख थी, जैसे सेवइयाँ होती हैं ना वैसे ही। और इसमें से मैंने कुछ हाफ निकाल ली थी, हाफ बाद में यूज़ कर लूँगी, 1 पाउंड का है ये। तो स्ट्रेन कर लेती हूँ, फिर आपको बाद में वीडियो अपलोड करती हूँ। ओह माय गॉड, इतनी देर, 28 मिनट। इससे अच्छा हम अंदर ही घूमते रहे स्प्राउट के, 28 मिनट हैं। नो नो, हाँ इट्स रॉन्ग। बस नंबर 1 आएगी 7:20 पे, बस नंबर 4 आएगी 7:05 पे। यहाँ पर वैसे मैं भूल गई थी कि मैंने व्लॉग ही बनाना है, हम पानी फिल करने चले गए और इसमें मैंने पहले ऑयल डाल के थोड़ा सा चिकन को फ्राई कर लिया था और फिर उसके बाद काली मिर्च भी उसमें डाल ली और लहसुन अदरक का पेस्ट। चिकन फ्राई करने के बाद इसमें मैंने जो आलू बॉयल किए थे और क्या नाम है कैरेट, ये डालकर अब इसको फ्राई किया। इसमें मैंने फिर साथ में ये केचप और ये चिली सॉस, वो चिली सॉस ये डाल दिया है। अभी इसमें पास्ता सॉस डालना है और इसमें मैंने थोड़ा सा साल्ट डाला है और थोड़ा सा वो, ये हमारा पास्ता जो है वो स्पेगेटी सॉरी रेडी हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें स्पेगेटी डाल दूँगी। अब ये पास्ता का सॉस जो है ना गार्लिक और हर्ब वाला, यहाँ पे चिकन वाला नहीं लिया हुआ क्योंकि इसमें प्लीज इसमें जो है वो गार्लिक और हर्ब वाला है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट में हमें देखना पड़ता है कि चिकन वाला बिल्कुल भी ना हो। चिकन क्योंकि हलाल नहीं है, तो फिर मीट वाला भी मिलता है लेकिन मैंने गार्लिक और हर्ब वाला लिया हुआ है। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं जब फाइनल तैयार हो जाएगा आप लोगों को दिखाऊंगी। ये ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो गई है,
और इसको हम आपने थोड़ा सा डालना है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप दम पे भी रख सकते हैं ताकि अच्छे से वो हो जाए। मैंने जो है कढ़ाई चेंज की थी क्योंकि वो छोटी थी, और आप इसको केचप के साथ खा सकते हैं। और वैसे ऐसे भी ये बहुत स्पाइसी बनी है, बहुत मज़े की है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फी मानिला, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। बाय।